मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपने देखी, वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में पहुंचे कांग्रेस डेलीगेशन को पुलिस ने रोक लिया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने बुलडोजर के एक्शन पर अटैक करते हुए सवाल खड़े किए, किस कानून के तहत ये कार्रवाई की गई, सवाल पूछते हुए नजर आए। साथ ही एमसीडी को एक तरफा कार्रवाई करने का हक नहीं है, ये भी बात उस दौरान उन्होंने कही। कानून के तहत रेहड़ी पटरी वालों को हटाया नहीं जा सकता है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर अजय माकन को रोक लिया गया। दरअसल ये बात सामने आई थी कि कांग्रेस का डेलीगेशन जहांगीरपुरी इलाके में जाएगा, वहां लोगों से मुलाकात करेगा, उनसे बात करेगा, लेकिन पुलिस का वहां पर बंदोबस्त बड़ा था, आरएएफ के जवान भी मौके पर तैनात थे और ऐसे में किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया और इस डेलीगेशन को कांग्रेस के बाहर ही रोक लिया गया। और जब डेलीगेशन के नेताओं को बाहर रोका तो उसके बाद देखिए किस तरह की बयानबाजी और सवाल करते ये नजर आए। सवाल पूछा कि कानून के तहत रेहड़ी पटरी वालों को हटाया नहीं जा सकता है, एमसीडी को एक तरफा कार्रवाई करने का हक नहीं है, ये अजय माकन ने कहा है अपने बयान में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि अब पूरी तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई है उस पर रोक लगी हुई है। सेक्शन कानून 2014 का मैं बतौर मंत्री जब लेकर के आया था उसमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 उस कानून का बड़ा स्पष्ट ये कहता है कि जब तक के पूरा सर्वे ना हो जाए, जब तक अल्टरनेट व्यवस्था नहीं करी जाए, जब तक के आप किसी को हटा नहीं सकते रेडी पट्टी वालों को। इसके अलावा ये 2019 का कोर्ट के ऑर्डर है जिसको कल आपके चैनल ने भी कोट किया है और उसमें बड़ा स्पष्ट है कि बगैर नोटिस के आप किसी को भी डिमोलिशन नहीं कर सकते। एमसीडी ने आज कोर्ट में बोला है कि एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट में आज एमसीडी ने बोला है कि कुर्सी और मलबा हटाने के लिए उन्हें इजाजत की जरूरत नहीं। बिल्कुल गलत है, ये मलबा और कुर्सी की बात नहीं है, ये अगर रेड़ी पटरी है तो रेड़ी पटरी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ये अगर मकान है तो उनको आशियाना के लिए आवास योजना के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये किसके तहत उन्होंने कार्रवाई करी है ये तो बताए, और एमसीडी को सुओ मोटो कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी मंशा सीधे सीधे ये है, आज जब देश के गरीब लोग आज पीड़ित है बेरोजगारी से, महंगाई से, तो उनके अंदर ध्रुवीकरण करके उनको तंग करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।